भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 T20 मुकाबलों की सीरीज का पहला मुकाबला हम सभी लोगों को मोहाली में 20 तारीख को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और इस पहले T20 मुकाबले से पहले ही भारत की टीम में कोविड अपने पैर पसार चुका है, जहां पर मोहम्मद शमी कोविड पॉजिटिव होने की वजह से इस 3 मुकाबलों की सीरीज से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। लेकिन मोहम्मद शमी के बाहर होने के बाद BCCI ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और एक ऐसे प्लेयर को भारत की टीम में शामिल कर लिया जो कि पिछले 3.5 साल से भारत के T20 स्क्वाड में कभी भी शामिल नहीं हुआ। और ये गेंदबाज और कोई नहीं और है उमेश यादव। दरअसल उमेश यादव को BCCI ने मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारत की टीम में शामिल कर लिया है। उमेश यादव की बात की जाए तो पिछले काफी टाइम से लिमिटेड ओवर से तो ये बिल्कुल ही बाहर चल रहे थे। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में इन्हें काफी ज्यादा भारत की टीम में मौके मिले हैं, लेकिन उसके बाद जब लास्ट ईयर IPL 2022 हुआ था तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में पावर प्ले में उमेश यादव ने जिस तरीके की गेंदबाजी की थी, जिस तरीके की स्विंग डिस्प्ले उन्होंने दिखाई थी, उसके बाद इनको भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन 3 मुकाबलों की सीरीज में भारतीय टीम में जगह दे दी गई है। क्योंकि इस सीरीज में भारत के जितने भी गेंदबाज खेल रहे हैं उनके फिटनेस के इश्यूज 100% सॉल्व नहीं है। हालांकि जसप्रीत बुमराह तो फिट हो चुके हैं, लेकिन हर्षल पटेल को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में काफी ज्यादा हाई चांसेस इस बात के हैं कि उमेश यादव भारत की प्लेइंग 11 में भी आप लोगों को पहले T20 मुकाबले से ही देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के अकॉर्डिंग उमेश यादव को आने वाले टाइम में भारत की T20 टीम में जगह दी जानी चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।